सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है हमारा बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, वो प्रॉब्लम है लिंक्ड लिस्ट पे बेस्ड। ठीक है, जैसे हम बनाए थे, ओके, जैसे हमें एक एरे गिवन था और हमको उसमें प्रॉब्लम था सॉर्ट एन एरे ऑफ 0, 1 एंड 2। उसी तरह हमें एक लिंक लिस्ट भी गिवन है और इस लिंक लिस्ट में जो डेटा है ना, तो डेटा तीन ही हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 है, या तो 2 है। तो इसी ये किसी भी रैंडम ऑर्डर में हमारे लिंक लिस्ट में के डेटा पार्ट में स्टोर है। हमको क्या करना है, हमको इसको सॉर्ट कर देना है। सॉर्ट कर देने से क्या होगा, 0 स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, तो आइए इसको प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा, इसीलिए हम stdlib.h हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं। एक हम नोड क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके, चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सॉर्ट अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ 0s, 1s एंड 2। ठीक, तो ये हमारा आउटपुट, ये हमारा इनपुट था। एक हमें लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें 1s भी हैं, 0 भी हैं, 2 भी हैं। तो फाइनली इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 स्टार्टिंग में आ जाए, मतलब सॉर्टिंग हो जाए बेसिकली। ठीक है, तो 0 स्टार्टिंग में आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में भी पूछा गया। अगर इसका हम प्रैक्टिस सेट खोल कर देखते हैं जो कि गिग्स फॉर गिग्स का है, तो आई थिंक अच्छे अच्छे कंपनी ने इसे पूछ रखा। अच्छा, यहाँ पे इजी टैग दिया हुआ है, कोई नहीं। तो अगर कंपनी टैग देखा जाए तो हाँ, अमेजन, मेक माई ट्रिप, माइक्रोसॉफ्ट पूछा है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेटा बना लेते हैं, इंट डेटा। ये हमारा मेंबर वेरिएबल है और एक पॉइंटर होगा। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट, जो कि अगले नोड को करेगा पॉइंट। अब कुछ नहीं, हम एक नोड क्रिएट, एक पॉइंटर बना लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं पॉइंटर टाइप का, स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक स्टार्ट, जो करेगा अगले नोड को पॉइंट, स्टार्टिंग नोड को पॉइंट। ठीक, इसके बाद एक फंक्शन कॉल करते हैं, इंसर्ट एट स्टार्ट, स्टार्टिंग में ही जोड़ दो। ठीक है, पास करते हैं 1 एड्रेस ऑफ स्टार्ट। ठीक है, एक और फंक्शन कॉल करते हैं, 0 पास करते रहे एड्रेस ऑफ स्टार्ट, और कॉल कर ले रहे हैं इंसर्ट एट स्टार्ट, इसमें 1 पास कर दे रहे हैं, इसमें अब 2 पास करेंगे। ठीक है, एड्रेस ऑफ स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा लिंक लिस्ट है, ये क्रिएट हो जाने के बाद ट्रैवर्स एक बार हम कर लेंगे, इसमें हम कुछ नहीं पॉइंटर पास कर देंगे, हो गया हमारा काम। अब आइए इस फंक्शन को करते हैं हम डिफाइन, पहले इंसर्ट वाले फंक्शन को। ठीक है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ये फंक्शन सिंपली इंसर्शन कर देगा हमारे लिंक लिस्ट में। ठीक है, और ट्रैवर्स करके, तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ये सिर्फ इंसर्शन करने का काम करेगा। तो void insert at start, हमको एक नोड क्रिएट करके स्टार्टिंग में उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो एक तो हमारा डेटा जा रहा है। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, डेटा हमेशा 0 ही हो, या फिर 1 हो, या फिर 2 हो। इसके अलावा अगर कुछ और होगा तो ये हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक, तो एक डेटा हम स्टोर कर लिए जो डेटा आ रहा है, और एक हमारा पॉइंटर है। ठीक, पॉइंटर का एड्रेस है इसलिए हम डबल पॉइंटर में स्टोर कर ले रहे हैं। अब एक सिंपल सा लॉजिक जो हम हर बार लिखते हैं वही लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए। ये लाइन तो इतने बार मैं लिखा हूँ कि मुझे याद हो गया, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉक, मेमोरी लोकेशन के लिए मैलॉक फंक्शन यूज कर लिए, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड, अब हमको मेमोरी लोकेशन हो गया, अब हमको बी के डेटा में क्या पहुँचा देना है, जो डेटा हमको आ रहा है। ठीक है, फॉर्मल आर्गूमेंट के रूप में बी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, कुछ नहीं, नल आ जाना चाहिए। ठीक, अगर एक एक ही नोड है, अगर एक भी नोड नहीं है तब, और अगर एक एक भी नोड है तो उसमें जो कि स्टार्टिंग नोड का वढ़ाई से स्टार्ट जो पॉइंटर है, जो कि हेड नोड को कर रहा है पॉइंट लिंक लिस्ट के पहले नोड को, वो असाइन हो जाए। ठीक, और उसके बाद अब एस्ट्रिक ऑफ ए, जो हमारा स्टार्टिंग में ऐड हुआ, तो अब हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर था जो कि लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट कर रहा था, वो भी मॉडिफाई होगा क्योंकि अब हमारा पहला नोड हो गया बी। ठीक है, हो गया हमारा काम कंप्लीट इस फंक्शन का इंसर्शन का। अब हम कर देख लेते हैं ट्रैवर्स फंक्शन का, वॉइड ट्रैवर्स, इसको रिकर्सिव कोड लिखेंगे। एक एड्रेस जा रहा है ना, एड्रेस
स्टोर कराने के लिए हम एक पॉइंटर बना लेते हैं, ठीक, स्ट्रक्ट लोन एस्ट्रिक ए। अब हम एक कंडीशन लिखते हैं, बेस केस है ये हमारा, अगर ए नल है ना उस केस में कुछ नहीं भाई, रिटर्न हो जाओ, और एल्स मतलब एड्रेस है तो उस केस में प्रिंट कर लो डेटा पार्ट को, उसके डेटा को परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से ए एरो डेटा, फिर से इस फंक्शन को कॉल कर लो और उसमें ए एरो नेक्स्ट असाइन कर दो, मतलब फंक्शन कॉल कर लो। ये हमारा बेस केस है, हमारे कर सकते आई एस को रन करके देखते हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, 201, ठीक है। अब हमको इसी लिंक लिस्ट को बड़ाई से सॉर्ट करना है, तो उसके लिए अब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ट्रैवर्स लास्ट में कर लेंगे, सॉर्ट लिंक्ड लिस्ट नाम से, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट, और इसमें पास कर देते हैं स्टार्ट जो कि पॉइंटर होगा, ठीक, मतलब हमारे लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस हम पास कर दिए। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड, ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बस सिंपली सॉर्ट कर देगा हमारे लिंक लिस्ट को, ठीक। हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो उसको स्टोर कर लेते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल में, इंट काउंट जीरो असाइन जीरो, काउंट वन असाइन जीरो, इनिशियल वैल्यू जीरो है क्योंकि हम ये हमारा स्टैटिक बोलता हूँ, ये लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें गार्बेज वैल्यू पहले से असाइन रहता है, ठीक है, इसीलिए उसको चेंज कर रहे हैं, उसमें ओवरराइट कर रहे हैं काउंट 0 1 2, ठीक है, तीनों का इनिशियल वैल्यू है जीरो। अब हम एक लूप चलाते हैं, वाइल, लूप चलाने से पहले एक पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं, इंस्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक पी असाइन ए वाइल बी, जब तक एक वैलिड एड्रेस है तब तक ये लूप चलाओ। इसमें कंडीशन लगा देते हैं, अगर ए एरो डेटा जीरो है ना तो उस केस में काउंट जीरो में इंक्रीमेंट करो, एल्स इफ या तो जीरो होगा या तो वन होगा या टू होगा, अगर ए का डेटा में टू है तो उस केस में क्या करो, काउंट टू में कर दो इंक्रीमेंट, ठीक है, एल्स क्या कर दो भाई, काउंट वंस में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब वैल्यू असाइन करना है स्टार्ट करेंगे, इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं इंट आई साइन जीरो, ठीक है। अब लूप चलाएंगे, फॉर लूप, फॉर आई लेस देन क्या, कब तक चलाना है, जीरो तक, काउंट जीरोस, ठीक है, और उसके बाद आई में इंक्रीमेंट हो जाए। इस लूप में हमको क्या करना है, ए इस लूप में दो काम करना है, ठीक है, ए एरो डेटा में असाइन कर दो जीरो, ठीक, उसके बाद ए में अपडेट भी कर दो, ए एरो नेक्स्ट, मतलब अगले नोड को अब ये करने लगे पॉइंट। ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद एक और लूप हम चला लेते हैं, फॉर आई शुड बी लेस देन का काउंट जीरो प्लस काउंट वंस आई में इंक्रीमेंट कर दो, इसमें क्या करो भाई, ए एरो डेटा में क्या आ जाए, वंस, ठीक है, ए में आ जाए ए एरो नेक्स्ट। ये लूप चलने के बाद एक और लूप चला देंगे, ये हमारा आखिरी लूप है, आई शुड बी लेस देन कब तक चले भाई, काउंट वंस प्लस काउंट जीरोस प्लस काउंट टू तक का वैल्यू तक चले, उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाए। इस लूप में भी हम तीन काम कर लेंगे, कौन कौन सा काम है वो देख लेते हैं, दो काम करेंगे, इसमें भी हम ए के डेटा पार्ट में असाइन कर देते हैं टू, ए में आ जाए ए एरो नेक्स्ट, हो गया हमारा काम कंप्लीट। आइए इसको ट्रैवर्स करके देख लेते हैं तो आउटपुट, ओ वेट क्या हो गया, क्या बात है, स्क्रीन होल्ड हो रहा है, कुछ एरर है क्या, बी में असाइन वाइल ए, ठीक है, ए में पहले नोट का एड्रेस है, ए में आ जाए ए एरो नेक्स्ट, बिल्कुल सही है, ए के डेटा पार्ट में क्या आ जाए, वन जीरो, कहाँ एरर आ गया,
कुछ एरर तो नहीं आना चाहिए। अगर हम फिर से बी में असाइन कर लेते हैं ए, बी के डेटा एक ही बात है, बी में आ जाए, बी एरो नेक्स्ट ही है ना, मेंबर वेरिएबल ठीक तो है। ओके आई काउंट जीरो काउंट वन प्लस काउंट टू, फिर क्या रहा है? अच्छा काउंट जीरो काउंट वन, एरर तो नहीं आना चाहिए, कोड जरूर कहीं पे, ट्रेसिंग वक्त तो सही आउटपुट आया था। बी आर ओ नेक्स्ट, पी के डेटा में आ जाए, ओके बी में आ जाए, बी आर ओ नेक्स्ट ठीक है, बी में आ जाए, बी आर ओ नेक्स्ट, आउटपुट तो आना चाहिए, एरर कहाँ पे? वेट वेट वेट, काउंट जीरो चला दिए ठीक है। ओ नहीं नहीं ठीक ही तो है, पर आई असाइन जीरो, आई शुड बी लेस देन काउंट जीरो ठीक है। तो बी आर ओ डेटा, बी आर ओ नेक्स्ट ठीक है, चलाते चलो इसी तरह। क्या एरर आ गया? वेट वेट वेट, यहाँ से कमेंट आउट करते हैं ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी, क्या था? काउंट टू काउंट जीरो काउंट वन, और आउटपुट देखते क्या आता है। अच्छा यही आ रहा है। ओके वेट वेट वेट, कितना माइनर सा मिस्टेक है, दैट शिट, इतना माइनर सा मिस्टेक, इतना अच्छा कोड हमारा। अभी यहाँ पे हम क्या हो रहा है वो देखिएगा ठीक है, बहुत भयानक ही फॉल्ट है, ऐसा फॉल्ट आना नहीं चाहिए था। बी हम कर दिए तो बी में अपडेट भी ना करना होगा, हर बार लूप चल रहा है तो बी में अगले नोड का एड्रेस भी आना चाहिए ना। बी आर ओ नेक्स्ट हो गया, अब हमारा आउटपुट सही आएगा। ओके टू 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 क्यों, टू 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 क्यों हुआ भाई, क्या प्रिंट हो रहा है? अरे यार यही लूप सिर्फ चला है क्या? आई शुड बी लेस देन काउंट जीरो का वैल्यू है वन, तो जीरो लेस देन वन ट्रू है, बी के डेटा में आ जाए जीरो। अरे भाई यार कहाँ है, सिर्फ टू ही क्यों असाइन हो जा रहा है? वेट वो तो सही है हमारा, आज क्या बात है, काउंट जीरो ठीक है, काउंट वन काउंट टू ठीक है। अच्छा अगर ए का डेटा टू है, ए का डेटा मैच कर रहे हैं, देखिए बी का ना डेटा, यार बी का डेटा टू है, और अगर ठीक अब सही आएगा, यार क्या हो रहा है? तो क्या था हमारा लिंक लिस्ट, 102 था ना। अच्छा इस फंक्शन के कॉल करने के पहले एक बार ट्रैवर्स फंक्शन कॉल कर लेंगे ठीक है, ट्रैवर्स में पास कर दो स्टार्ट सॉरी, इसके बाद लाइन को चेंज कर लो प्रिंट ऑफ फंक्शन के हेल्प से, अब रन करके देखते हैं। तो हमारा लिंक लिस्ट पहले था 201, शॉर्ट हो जाने के बाद आ गया 012। अब इसको थोड़े बड़े टेस्ट केस पे चेक कर लेना ठीक है, इसका और भी अप्रोच है बनाने का ठीक है।
अगले वीडियो में वो भी बताएंगे, ठीक, कैसे हम इसको इससे ज़्यादा एफिशिएंट वे में सॉल्व कर सकते हैं। यही रहने देते हैं, ठीक, आइए इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा लिंक लिस्ट था और फाइनली सॉर्ट हो जाने के बाद ये हमारा आउटपुट है, ठीक। क्या है देख लेते हैं, कितने जीरोज हैं, 3 जीरो हैं, कितने वंस हैं, 3 वंस हैं, कितने टूज हैं, 3 टूज हैं, ठीक है। ये हमारा और वड़ाई से इनिशियल एरे था, ये हमारा फाइनल एरे नहीं लिंक लिस्ट था, ठीक है, और ये हमारा फाइनल लिंक लिस्ट है। अब गिग्स पर गिग्स में जो टेस्ट केस दिया है उसको हम मैच कर ले रहे हैं, ठीक है, वो भी काम करेगा ही। तो था 2201, ठीक है, 4 ही नोड था। वेट, उससे पहले वाला टेस्ट केस को पहले रन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप भी कोड लिख के टेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस पर रन कीजिए। तो कितने थे, 1 2 2, हाँ ये हम, अच्छा ठीक है, इसको कितने वंस हैं, 2 वंस हैं, ठीक है, तो इसके डेटा में पास कर देते हैं, 2 वंस है ही, ओके। कितने जीरोस हैं, 1 ही 0 है, ठीक है, 1 ही 0 रहने देते हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 1 यहाँ पे 2 दे देते हैं, ठीक है। आइए अब इसको रन करके देखते हैं, तो 1 ही 1 आएगा स्टार्टिंग में, तो आउटपुट हमारा बिल्कुल सही है, 1 ही 1 है हमारे स्टार्टिंग में, ठीक। दूसरा टेस्ट केस में 4 ही नोड है ना, तो फालतू का नोड को डिलीट कर देते हैं, कॉल ही नहीं करेंगे जो नोड हमारा इंसर्ट होगा, ठीक है। 2201, ठीक, 2 2 0 और 1। अब इसको अगर रन करके देखेंगे तो आउटपुट आएगा 0 1 2 2, जो कि हमारा इसका आउटपुट है। तो हम क्या देखें, इस तरह से हम एरे के एरे बोलते हैं। अगर हम एक लिंक लिस्ट गिवन है और उसका डेटा है 0 1 और 2, तो अगर हमको उसको सॉर्ट करना है तो हम इतना इजी वे में बस एक सिंपल ट्रैवर्सिंग करेंगे और ये काउंट कर लेंगे कितने जीरोज हैं, कितने वंस हैं, कितने टू। और इसका अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ओ ऑफ वन, क्योंकि हमको ऑक्सिलरी स्पेस क्रिएट किए ही नहीं। इसका एक और सॉल्यूशन हो सकता था, हम या तो एक एरे बना लेते या तो एक वेक्टर बना लेते, अगर सी प्लस प्लस में करते तो सारे को ट्रैवर्स करके एक एरे में स्टोर कर लेते, या फिर वाडाई से वेक्टर में स्टोर कर लेते, उस वेक्टर को सॉर्ट करते फिर कॉपी करते, कितना बड़ा टास्क होता, एन स्क्वायर तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी चला जाता अगर हम खुद का सॉर्टिंग एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करने लगते। अगर मर सॉर्ट लिखते तो एन लॉग एन चला ही जाता। तो ये सबसे इन टर्म्स ऑफ ऑल दोज ये उससे अच्छा सॉल्यूशन है, बट इससे भी अच्छा सॉल्यूशन इसका हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा ये बेस्ट सॉल्यूशन है बस, बट यस ये भी अच्छा है, क्योंकि इसका भी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही है, ठीक है। अगर इसका पटाई से कंस्ट्रेंट चेक करें तो कंस्ट्रेंट में 1 नोड तो है और 1000 नोड हो सकता है, 10^3 मीन्स 1 से लेके 1000 नोड का ही लिए ये है, और इसका कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन। अगर इसको रन कर गए पटाई से तो आउटपुट इसका सही है। अगले वीडियो में आपको बता दूंगा अगर इसी कोड को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें तो क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो हम कैसे किए उसको समझते हैं। तो हमको पता है जो हम अपने एरे वाले में किए थे वही यहाँ पे किए, क्योंकि हमको पता है एरे या फिर लिंक लिस्ट जो गिवन है उसमें जो डेटा है या तो वो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है। तो ये पता करने के लिए हम 3 वेरिएबल बना लेंगे और लूप चला के अगर ये कंडीशन लगा दे, अगर इस तीनों कंडीशन हर बार ये चलेगा, लेकिन ये पता है ये तीनों में इफ एल्स तीनों कंडीशन में कोई एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अगर इफ एग्जीक्यूट हो गया तो ना ही एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा और ना ही एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ फॉल्स हुआ और इफ एल्स इफ भी फॉल्स हुआ तब एल्स चलेगा, अगर इफ फॉल्स हुआ एल्स इफ ट्रू हुआ तो एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। और आज क्या एरर आ गया कि हम बी को अपडेट किए ही नहीं, मतलब हम एक ही नोड को बार बार चलते रह गए। तो इससे हुआ क्या, आई थिंक ये हमारा लूप जो है ना ये इन्फिनाइट लूप हो गया, ये चलता ही रहा, इसीलिए हम देखे थे कि हमारा स्क्रीन होल्ड हो गया था, ब्लैक जो कंसोल आ रहा था, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ को मेंटेन करना चाहिए कि ये हमारा फ्लो है, ठीक। उसके बाद हम फॉर लूप चलाए, हम काउंट कर लिए, उसके बाद देखिए फॉर लूप आप तभी चलाइए या फिर यूज कीजिए प्रोग्राम में जब आपको ये एक्चुअल काउंट पता हो, मतलब कितने टाइम्स चलाना है, 10 टाइम्स चलाना है, 20 टाइम्स, मतलब आपको काउंट पता रहे कि लूप हमको अगर हम कोई लूप यूज कर रहे हैं
कोई लूप मीन्स क्या, अगर हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, अगर हमको एक्चुअल काउंट पता है तो उस केस में हम यूज करेंगे फॉर लूप, बट अगर हम कोई वाइल लूप हम कब यूज करेंगे, लेट्स से हमको पता है कि लिंक लिस्ट गिवन है और हमको उसको ट्रैवर्स करना है, तो हमको उसका ये तो नहीं पता ना उसका लेंथ कितना है, तो उस केस में हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, बट अगर एक अच्छा जनरलाइज प्रोग्रामिंग की बात करें तो उस केस में हम वाइल लूप यूज करेंगे, तो कब तक, जब तक लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाए तब तक ट्रैवर्स करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बना के इस क्वेश्चन को कर लिए सॉल्व। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, अगर आप इसको इस वीडियो को 2-3 बार देख लो या फिर आप जो कोड लिखे हैं उसको एक सेपरेट पेज में लिख के खुद से ट्रेस कीजिए, ब्लॉक बना बना के कैसे बड़ाई से कैसे असाइनमेंट हो रहा है, कैसे काउंटर बढ़ रहा है, कैसे हमारा लूप चल रहा है, कैसे वाइल लूप चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।